आधा समय जमीन पे बैठ के खाना शुरू कर दीजिए और खाने के तुरंत बाद 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट, 5 मिनट तो कम से कम, 10 मिनट तो अधिक से अधिक वज्रासन में बैठना शुरू कर दीजिए। वज्रासन आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये पतंजलि योग समिति के सब कार्यकर्ता योग शिक्षक आपको सिखा देंगे वज्रासन कैसे लगाया जाता है। तो लंच के बाद जमीन पे बैठ के ही वज्रासन लगा लें, डिनर के बाद जमीन पे बैठ के ही वज्रासन लगा लें, तो सूत्र भी पालन होगा और आपके शरीर का वजन लगातार गिरते हुए एक जगह आके आपको स्टैग्नेट हो जाएगा। इसमें यह चिंता करने की जरूरत नहीं है जो कल आपकी चिंता थी कि वजन और कम तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जहां रहना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से जो आपका वेट होना चाहिए वहीं पे जाके स्टैग्नेट हो जाता है, उसके नीचे कभी भी नहीं जाता, क्योंकि ये मेरा 12 साल का तजुर्बा है। और मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, फिर उसको रिपीट कर रहा हूं कि मैंने ऐसे बहुत पेशेंट को वेट लूज कराया है जिनका 160, 150, 140, 170। सिंपल से इस सूत्र का पालन करके, एक सूत्र मैंने बोला चबा चबा के खाना, पानी को घूट घूट पीना, 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना, खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाना, जमीन पे बैठ के खाना, इन्हीं सूत्रों का पालन करके साल भर में किसी ने 40 किलो लूज किया, किसी ने 50 किलो लूज किया, किसी ने 25 किलो लूज किया। कोई मेडिसिन नहीं, कोई डाइटिंग नहीं। मैं बहुत सख्त खिलाफ हूं कि डाइटिंग करके वजन कम किया जाए, क्योंकि जैसे ही आप डाइटिंग करके वजन कम करेंगे थोड़े दिन के बाद वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। उपवास करके वजन कम करना दुनिया में सबसे खतरनाक तरीका है। उपवास कम करके कभी वजन कम ना करें, डाइटिंग करके कभी भी वजन ना कम करें। जब आपके पास ऑल्टरनेट है तो डाइटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइटिंग से क्या होता है, प्रोटीन बहुत कम हो जाते हैं शरीर में, वो फिर दूसरी तरह की कमजोरियां आपको दे जाते हैं। फिर क्या होगा कि एक तरफ आप वजन कम करते जाएंगे, दूसरी तरफ आपको जॉइंट पेन बढ़ता चला जाएगा, एक बीमारी से निकलेंगे दूसरी में फंस जाएंगे। तो डाइटिंग करके वजन कम कभी भी मत करिए, कभी भी उपवास रख के वजन कम मत करिए। आप भरपेट खाइए, जितना खाते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है, अगर आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम खाइए, बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी इस नियम को ध्यान रखिए, जमीन पर बैठ के खाने का, चबा चबा के खाने का, खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीने का, पानी घूट घूट करके पीने का, सुबह उठते ही पानी पीने का, ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हुए आप देखेंगे 1-1.5 साल में आपकी बॉडी एकदम चुस्त और दुरुस्त और पहले से ज्यादा फ्रेश हो जाएगी। तो कोशिश करिए, ये जो नियम मैंने बताया जमीन पे बैठ के खाना, ये छठवां नियम है। साथ